Hey, hello friends, how are you? I hope you all are very well. Thank you, I'm Ashish and welcome to our YouTube channel Ashish 93. And today we will discuss Ashamri the artist. Okay, so without any delay, let's have a start. The present short story, The Artist, has composed by Japanese author Shiganoya. जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये शॉर्ट स्टोरी, जिसे किसने लिखा है, जापान के जाने माने है ना राइटर कौन, शिगानोया। ही वॉज बोर्न इन 1883, उनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में एंड डाइड इन 1971, और इनका मृत्यु हुआ था 1971 में। ही वॉज वेरी सेंसिटिवली वॉचर ऑफ 20th century, ये 20वीं शताब्दी के जाने माने लेखक के नाम से जाने जाते हैं। ओके, सेकेंड पैराग्राफ। इन दिस स्टोरी he talks about the world of talented Japanese boy Sibi. इसमें एक ना बहुत ही विश्व के टैलेंटेड बॉय सीबी के बारे में बात किया जाता है। वो क्या बात करते हैं, देखिए, ही वॉज ए 12 years old स्टडिंग स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। वो 12 साल का लड़का होता है और किस स्कूल में पढ़ रहा होता है, प्राइमरी स्कूल में। देखिए, एक चीज़ मैं खास बताता हूँ और बहुत स्पेशल, मेरे समरी का सबसे बहुत बड़ा स्पेशलिटी है कि आप समरी अगर देख लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब हो जाएगा। इन आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स गेट लंच बट सी बी वॉन्डर अबाउट टाउन एंड वेयर गॉड स्मेल एंड गॉड सेल्स। मतलब सभी बच्चे ना लंच होता है तो लंच कर रहे होते, परंतु सेबी क्या करता है, वो देखता है कि हमारे किस मार्केट में कहाँ का गॉड्स मिलता है। राइट, ही यूज टू ब्रिंग गॉड्स एंड पॉलिश्ड विथ सेक एंड पुट द टी लिप्स टू गेट राइट स्मेल ऑफ गॉड एंड वेन देन रैप्ड इट इन ए टॉवल। मतलब क्या करते हैं, इससे भी गाउट्स को लेकर आता है, उसको साफ चा ऊपर से छील लेता है और उसके अंदर जो बीज होता है उसको निकाल लेता है, और जब अंदर निकालने के बाद जो स्मेल आती है, स्मेल को ख़त्म करने क्या डालता है वो, तो चाय का पत्ता डालता है और उसके ऊपर जो ना ये सेक जापान का शराब होता है चावल से बनी, उसके सरफेस को गाउट्स के सरफेस ऊपर वाला हिस्सा को पॉलिश करता है, ठीक है, और बाद में क्या करता है, इसे टावल से लपेट देता है। लपेटने के बाद इसे चारकोल आग में डाल देता है और रात भर छोड़ देता है। अगले मॉर्निंग जब सुबह सो के जगता है, उसे एग्जामिन करता है और साफ सुथरा करके धूप में टांग देता है और उसके बाद स्कूल चला जाता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देते हैं। सेवई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, सेवई कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में रहता था। वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गाउट्स, और बहुत ही जुनूनदायक है ना, किस चीज़ में इंटरेस्ट करते थे, गाउट्स को कलेक्ट करने में। ही वॉन्ट्स इवन समेरिटिकल गाउट्स विच ही बाउट ए टेंशन स्टिल नेवर पार्टेड इट। देखिए, उसने जो है ना एक गाउट खरीदा था, वो कैसा था, 5 इंच का बिल्कुल समेरिटिकल सुडोल था, और कितने में खरीदा था, 10 सेन में। कहाँ से खरीदा था, एक बूढ़ी औरत के पास, ठीक है, बट उसने कभी भी उसको अपने से दूर नहीं किया। वन डे द टीचर कॉल्ड हिम इन एथिक क्लास। देखिए, एक बार हो क्या रहा था ना, एक एथिक क्लास चल रहा था और उसमें टीचर ने उसे पकड़ लिया, अरे भाई नैतिक क्लास चल रहा है तुम सुन लो ध्यान से, और इस तरह मस्ती करने की क्या जरूरत है। और उस व्यक्ति ने क्या, टीचर ने उसको ना गाउट को कन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया, और उसको किससे दे दिया, पोर्टर चपरासी को। और चपरासी ने क्या कर दिया, चपरासी की दिन मजबूरी आ गई थी, अब क्या करें, पैसे नहीं है, तो वो जाके बेच दिया किसको, तो कोरियो डीलर को, एक दो दुकान वाले, कितने में, 50 सेन, 50 येन में, सेन बोले चाहिए, दोनों बराबर है। खरीदा था 10 में, बेचा गया कितने में, 50 में। अब समझिए, कोरियो डीलर भी बहुत तेज था, वो उसने क्या करा, एक वेल्दी कलेक्टर आ रहे थे उधर से, उसको 600 येन में बेच दिया। अब समझिए, 10 येन में खरीदा गया, उसे किसने बेचा, पोर्टर ने, चपरासी ने, 10 येन में, और दुकानदार ने फिर कितने बेच दिया, 600 येन में। तो समझ लीजिए, सीबी के जो घर था उस घर में आधा से ज़्यादा भरा हुआ था, तो मान के चलिए कितना पैसा होता उसके पास, परंतु कुछ पेरेंट्स समझते नहीं बच्चों को। हिज टीचर कंप्लेंट हिज मदर। देखिए, उसके टीचर ने उसके घर पे गया, सीबी के घर पे, तो वहाँ माँ थी, माँ से कंप्लेंट किया, देन हिज मदर स्कोल्ड हिम, और उसकी माँ से डांटने लगी, तुम इस तरह हरकत क्यों करते हो, टीचर का कंप्लेंट आता है, डांट ही रही थी। तभी तक इनके फादर आ गए फ्रॉम कारपेंटर शॉप, तो उसके फादर कहाँ काम करते थे, कारपेंटर शॉप पे, वहाँ से वापस आए, पूछे व्हाट हैपन, क्या हुआ, हिज फादर, और इसके बाद उसकी मम्मी ने बताया, देखिए ऐसा ऐसा गलती उन्होंने कर दिया था, और उसके फादर ने उसको क्या किया, ग्रेब्ड हिज कॉलर, उसके कॉलर को पकड़ा एंड गिव हिम साउंड बीटिंग, और जोर से उसे चिल्ला के बोलने लगे कि ही सोल्ड है ना, ही सेड यू आर नो गुड, उसने कहा, मतलब उसके फादर ने कहा कि तुम अच्छे नहीं हो। वाइल द गाउट्स काउच अटेंशन हिज अटेंशन, जैसे देखिए उसको डांट ही रहा था उसे भाई को, तब तक उसके फादर ने देख लिया, अरे यार ये तो पूरा घर में गाउट्स भरा हुआ, अब एक गाउट के पीछे इतना दिक्कत था, तो सब देख लिया, उसके फादर का और भी गुस्सा बढ़ गया,
और उसने क्या किया, देन ही फिस्ट हमर, और हथौड़ी को लिया और समेस टू पीसेस, और एक एक करके उसे तोड़ दिया, टुकड़ा कर दिया। लास्ट पैराग्राफ देखिए, हिज फादर फोर्स टू स्टॉप कलेक्टिंग गाउड्स, उसके फादर ने मना कर दिया था, भाई तुम ये गाउड वगैरह तुम कलेक्ट मत करो। और देखिए जब मना कर दिया तो उसने क्या किया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया। बाद में उसके फादर ने बोला कि नहीं भाई तुम पेंटिंग भी नहीं करो। हिंस वी कैन से दैट दिस स्टोरी शोज हाउ ऑफन काउजेज द सच टैलेंसी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये कहानी बताता है हमें कि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट्स का कैसे उसके टैलेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। थैंक यू, आई होप कि मैं आपको अच्छा से अच्छा समझा पाया होगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक शेयर कर दीजिएगा। इतना सा बस, 5 सेकेंड लगेंगे आपको। थैंक यू।